नमस्कार, लाइफ टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश शर्मा। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठियोग उपमंडल के तहत गीट गांव की है, जहां पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक प्रयोगशाला का जो है शुभारंभ किया जा रहा है। और माननीय जो विधायक है, यहां के विधायक राकेश सिंघा मौजूद हैं। और अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर स्थानीय लोग जो है सभी मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रयोगशाला में काम करते हैं, विभिन्न प्रयोगशालाओं से जो है वो अधिकारी आए हैं, साइंटिस्ट आए हैं, और उनकी निगरानी में जो है यहाँ दिखाएंगे आपको पूरा तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके की यहाँ पर जो है वो सुविधाएं मिलेगी किसानों और बागवानों को जो है। इसको करके हम फास्फोरस नीली पट्टा वोटिंग भी मेथोडोलॉजी। मैंने अपनी पत्ती ले आई तो हम इसको कैसे ऑपरेट, पहले फिर हम पत्ती लाते हैं, हाँ, साफ करते हैं, इसको ड्राई करते हैं सर, डाइजेशन वो अलग रूप है, ऐसे भी डाइजेस्ट करके उसका एक्सट्रैक्ट होगा, उसको करके किसी भी कलर डेवलप करेगा सर, फिर इसमें रीड करेंगे, फिर ये जो रीडिंग देगा फिर हम उसके कैलकुलेशन करेंगे सर, तो हमें वो परसेंट में फिर बताएगा सर। अच्छा, सॉइल का भी सॉइल का अलग मेथड है सर, पहले एक्सट्रैक्ट, बट दिस इज ओनली फॉर लीफ, नो सर, बोथ, अरे बोथ, कलर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट टू दैट फास्फोरस का क्या रोल होता है इसे प्लांट के लिए? फास्फोरस का सर रूट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल, किस किस रूट 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 डेवलपमेंट और एनर्जी बनाता है सर प्लांट के लिए, प्लांट के लिए एनर्जी बनाएगा फास्फोरस, इट इज पार्ट ऑफ एटीपी, एटीपी जितनी भी एनर्जी है वो सब दैट इज मेटाबॉलिज्म फॉर स्टार्टर, बेसिकली अगर रूट अच्छी है तो प्लांट अच्छा चलेगा, अच्छा न्यू सीडलिंग और फास्फोरस की अगर कमी होगी रूट्स आपके डेवलपमेंट अच्छी इट इज जस्ट लाइक जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, सबसे पहले क्या करता है नाड़ी पकड़ता है, नाड़ी है, नाड़ी है, हाँ, तो जब तक पीएच से ही थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि आगे क्या हो क्या नहीं हो। ये है बेसिक किसी भी खेती को, हाँ, जैसे एप्पल का ये है, अगर पाली पीएच 7.2 है, पाली पता चल जाए तो एप्पल लगाना क्या है, को करना पड़ेगा उसके एसिडिक कंटेंट को, हाँ, सॉल्ट ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, that's why it is known as EC meter. Mm-hmm.
और उसकी टेस्टिंग में से आ जाएंगे पानी में मिला कर जैसे पीएच वाला ही है ना सेम बनाते हैं उसी को फिर यहाँ पे कर देते हैं जो 1:20 रेशो का लेते हैं ड्राई लेते हैं जैसे सॉइल एंड वाटर शेक किया थोड़ा सा टल हो जाता है सिक्योरिटी ज्यादा तो ये हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जो है प्रयोगशाला का जो है शुभारंभ माननीय विधायक राकेश सिंघा ने किया है और यहां पर जो है किसानों और बागवानों के लिए अब बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी जो प्रदेश के अन्य जिलों के लिए जिन्हें रुख करना पड़ता था खासकर ऊपरी शिमला की अगर बात करें तो सेब का जो सीज़न रहता है सेब को लेकर जो आर्थिकी और सेब को लेकर जो किसानों और बागवानों की रुचि रहती है उसमें खासी मदद मिलने वाली है क्योंकि मिट्टी और सेब की पत्तियों सहित पानी का जो परीक्षण है वो यहीं नज़दीक में देखने को मिलेगा और बड़े लंबे अरसे से जो है एक प्रयास जो किया जा रहा है डिस्टिलेशन अच्छा मैंने क्या डिस्टिलेशन पानी का जो केमिकल बनता है ये पानी जो भी हमने करना है पानी को डिस्टिलेट करके ही जो दूसरा पानी जो क्वालिटी वो ऑर्डर तो उसकी रीडिंग ठीक नहीं आ पाई तो बाय डिस्टिल्ड वाटर सो दैट तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे ठेकू मंडल के तहत कीट गांव की है जहां पर जो है मिट्टी और सेब की पत्तियों फसलों के जो परीक्षण होते हैं उसकी लैब का उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है और माननीय विधायक क्योंकि राकेश सिंघा इसका शुभारंभ करने आए हैं प्रयोगशाला का निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसी कैसी मशीनें यहां पर लगी है किनका क्या काम रहता है इसको लेकर भेजा जा रहा था यहां के जो स्थानीय निवासी है डॉक्टर रंजीत वर्मा उन्होंने ये इस प्रयोगशाला का जो है शुभारंभ किया है जिससे किसानों और बागवानों को ये सुविधाएं मिल सके और बड़े लंबे अरसे से जो एक मांग चली आ रही थी उसको लेकर लोगों की खासी रुचि जो है देखने को मिलती है और यहाँ पर हमारे लिए तो ये बिल्कुल आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहाँ पर जो है नौणी विश्वविद्यालय से जो है वैज्ञानिक आए हुए हैं डॉक्टर आए हुए हैं जो यहाँ पर जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि कौन सी मशीनों का क्या काम रहता है और कैसे इनका प्रयोग करके से हैं लोगों को सुविधाएं जो है वो दी जा सकती है नौनी से डॉक्टर के एस पंत और डॉक्टर त्रिपाठी जो है यहाँ पर मौजूद हैं जो विधायक राकेश सिंह का सही अन्य जो किसान और बागवान हैं उनको ये मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसे ये फैसिलिटेट की जाएगी ये मशीनें कैसे इससे जो है वो लाभ मिलेगा आप लोगों सहयोग आशीर्वाद चाहिए बच्चों को
ये सर प्लेट फॉर ग्राउंड के रोल है, इसमें आप पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम मिक्स है। तो आज हुई तो लेते हैं, आज हमें कहा हमें बताते हम पत्ते पुत्ते ले आते हैं कुछ मिट्टी हमारे पास सैंपल है सर कराएंगे सर। ये उसका कंप्रेसर है जो उसका एयर के लिए ना फ्लेम करती है। अच्छा यहाँ से सैंपल देगा सर ये कौन बोल रहे हमारी तो ये आती है हमारी कितने एलिमेंट मिल जाते हैं सर इसमें? सर ऐसे तो 10 का है, वैसे ऐसे 6 है। और इसकी बीच वो कितनी है? ये सब 12 लाख का इंस्ट्रूमेंट है, बाकी इसमें कंप्यूटर एक्सेसरीज और जाके 13-14 ढेर सारी बधाइयां। वेरी गुड वेरी गुड। प्रधान जी ये करेगा 6 एलिमेंट्स में क्या क्या है तो आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे जो माइट कर लेते हैं सिंह साहब, जो सेब की आर्थिकी है हमारी चाहे कृषि है, इस तरह का प्रयास क्या कहना है आपका, कितनी जरूरत समझते हैं? देखिए सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं बंसी जी और इनके बेटे को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि अगर और इनके परिवार को कि अगर हमने खेती आधुनिक करनी है, वो पुराने तौर तरीके से अब ये खेती नहीं चल पाई। आपको खेती इस तरीके से करनी है जिससे खेत की गुणवत्ता भी बढ़े और जो पैदावार आप कर रहे हैं उसकी भी गुणवत्ता बढ़े, तभी वो खेती लाभ किसान को दे पाएगी। और उसके लिए जो बुनियादी काम है, बेसिक काम है, वो ये जो लेबोरेटरी ने सेटअप की है, ये मैं समझता हूँ किसान को बहुत बड़ी मदद है। अभी हम तुक्के में खेती करते हैं, मुझे पता नहीं है कि मेरी ज़मीन में जो अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स हैं वो क्या है। और कई दफ़ा वो होते नहीं हैं और उसको पूरा करने के लिए मैं सुन लेता हूँ किसी से कि जी ये फलानी खाद डालो, ये खाद, वो सारी खाद डाल देता हूँ।
लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो सारी लीच हो जाती है। अब प्लांट को क्या जरूरत है, पहले तो सॉइल के कंटेंट को आपको पता करना है। तो अब सारी चीजें आधुनिक हैं और मैं वंस अगेन इनको मुबारकबाद देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और आपने देख लेना, जो जो इस लेबोरेटरी में आकर फायदा ले सकता है, वो शायद वो जो बहुत से दवाई बेचने वाले जो तर्क देते रहते हैं, प्राणी स्प्रे करो, प्राणी स्प्रे करो, प्राणी वो डालो, वो सारी बातें हवा में रह जाती। मैं ऐसा नहीं हूँ उनके खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर मेरे जिस्म को क्या चाहिए, जब तक मेरे जिस्म के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों का मुझे पता नहीं है, तो मैं जो मर्जी डाइट ले लूं वो मदद नहीं देने वाला है। वो इसीलिए वो एक बैलेंस डाइट का जो कंसेप्ट है वो पेट के साथ भी यही है कि उसको बैलेंस डाइट चाहिए। और उस बैलेंस डाइट में ऑलरेडी क्या अवेलेबल है वो पता इस लेबोरेटरी से लगेगा, और जो कमी पेशी होगी उस कमी पेशी को फिर ये लोगों को दिशा दे सकते हैं कि भाई आप ये चीजें उसमें डालें जिससे आपकी फ्रूट की क्वालिटी बढ़ेगी, तभी बाजार में मुकाबला किया जा सकता है। नहीं तो वो किसान बड़ी मेहनत करता है, बहुत रात दिन लगाता है, लेकिन बाद में वो सेब जो उसकी उम्मीद है या जो भी पैदावार वो जमीन में कर रहा है, जो उसकी उम्मीदें हैं वो क्या कहते हैं उसके मुताबिक वो पैदावार होती नहीं है, उसकी मेहनताना में कमी नहीं है, कमी है सोच में, डायरेक्शन में, दिशा में। ये दिशा देगी एक बेहतर खेती को आने वाले समय में। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि झोला छाप डॉक्टरों से अच्छा है कि आप हॉस्पिटल जाएं, अपने टेस्ट करवाएं, फिर इलाज करवाएं। बिल्कुल। बगैर टेस्ट के जब तक आप बीमारी का कारण पता नहीं कर पाएंगे, पहले तो बीमारी, फिर उसका कारण, फिर उसका इलाज। अब मेरे पड़ोसी ने डाल दिया फलाना और मैं वो बनती है नहीं उससे, फिर मैं किसी को पकड़ता हूँ, बोला किसने क्या डाला, बोला जी फलाना फलाना डाला, बोला मैं दुगना डाल दूँ तब मेरा वो उससे बेटर हो। ये तरीका नहीं है, दिस इज साइंस। अब वैज्ञानिक युग है, पुराना जमाना गया, अब नया जमाना है, और इसलिए हमें विज्ञान पर ही रिलाय करना है, विज्ञान ही हमें आगे ले जा सकता है। थैंक यू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी भी और साथ साथ ही जागरूकता का जो संदेश जो है विधायक डाके सिंघा ने दिया है, यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि कृषि बागवानी के जो अब तौर तरीके हैं वो कहीं ना कहीं बदल चुके हैं और खुद को बदलना होगा, और नई तकनीकों का जो उपयोग हो रहा है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी कृषि और बागवानी संरक्षित रह सकती है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहें लाइव टाइम टीवी। नमस्कार।